हेलो स्टूडेंट्स, आज एनपीओ में इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता है, सुपर टाइम क्लब का बना रहे हैं, साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 3 साल का दिया हुआ है, 2015 का, 2016 का और 2017 का, और उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखता है, ऑन 1 जनवरी 2016 यानी साल के शुरुआत में क्लब के पास प्रेमाइसिस है, इन्वेस्टमेंट्स है, फर्नीचर है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। तो ये सब साल के शुरुआत में दिया है, ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये बना रहे ओपनिंग बैलेंस शीट, तो इसमें प्रीमाइसेस है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, इसको लिख दिए। साल के शुरुआत में प्रीमाइसेस है 1 लाख का, न खरीदे हैं न बेचे हैं, तो उतना का उतना रह जाएगा। तो यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 1 लाख रुपया प्रीमाइसेस के नाम से लिख देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट था 24,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम लोग नया खरीदे भी है। देखो पेमेंट साइड में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, तो 24,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट में था, 2 लाख का नया खरीदे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 2,24,000। फर्नीचर ओपनिंग में था 12,000, खरीदे भी हैं बेचे भी हैं। देखो फर्नीचर बेचे हैं 320 का 400 में, यानी 80 रुपीज का फायदा हुआ। सबसे पहले तो ये जो फायदा हुआ ये इनकम में हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से, तो ये इनकम में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 80 रुपया। अब फर्नीचर था 12,000 का, 320 का बेच दिए तो 320 माइनस कर दिए, और पेमेंट साइड देखो फर्नीचर नया खरीदे हैं 5,960 का, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर चल जाएगा 17,640 का। स्टेशनरी हम लोग का था पहले 360 का, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है, लिख रहा 50% प्रिंटिंग स्टेशनरी का राइट ऑफ करना है। देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी का और खरीदे भी हैं, तो पहले से था 360 का, 24,160 का और खरीदे तो हो गया 24,520 का। तो परचेस किए 24,160, पहले से था 360 तो हो गया 24,520। इसमें 50% राइट ऑफ करने बोला, तो जो भी राइट ऑफ करने बोला वो बाहर चला जाएगा और बच गया 12,260 इसका 50%, यानी 50% राइट ऑफ हो गया, 50% बच गया, और जो बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन का सबसे खास पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 2, लिखता द क्लब हैड 720 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। क्लब के पास 720 मेंबर है और हर कोई 100 रुपया करके देता है, यानी पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन आपको 72,000 रुपीज मिलना चाहिए। तो पूरे साल भर में 72,000 सब्सक्रिप्शन का मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद लिख रहा सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 200 वर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015। इसका मतलब समझो, हम लोग का साल है 2016, हम लोग 2016 का बना रहे, लिख रहा 2015 का स्टिल बाकी है 200 रुपया, और यहां देखो 2015 का मिला भी है 1200 रुपया, तो पिछले साल का 1200 मिला, उसके बाद लिख रहा है 200 रुपया स्टिल बाकी है, यानी 200 रुपया अभी तक मिलना बाकी है। तो जो 200 रुपया अभी तक मिलना बाकी है वो हम लोग करेंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे। तो ये करेंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे इस तरह से कि 2015 का स्टिल बाकी है 200 रुपया, यानी पिछले साल का अभी तक मिलना बाकी है, और जो भी मिलना बाकी है वो हमारा एसेट्स है, और पिछले साल का 1200 मिला है। यहां दे रहा है कि 1200 मिला है और 1200 मिलने के बाद भी 200 बाकी है, तो जरा सोचो कि 1200 मिला उसके बाद भी 200 बाकी है, तो बाकी था कितना। तो 1200 मिलने के बाद भी अगर 200 बाकी है, इसका मतलब है बाकी था 1400, यानी 1400 हम लोग को मिलना बाकी था पिछले साल, जिसमें से 1200 तो मिल गया और 200 स्टिल बच गया। जो स्टिल बच गया वो हम लोग के नए बैलेंस शीट में आएगा। अब इस साल हम लोग को 72,000 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया है 720 मेंबर्स है और हर कोई 100 रुपया देता है, यानी 72,000 मिलना चाहिए था, लेकिन देखो मिला है 64,800 करेंट ईयर का। तो 64,800 मिला जबकि 72,000 मिलना चाहिए था, ऐसे बोलो 720 मेंबर्स और 100 रुपया करके अगर देते हैं तो 72,000 रुपया मिलना चाहिए, और जो मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा इनकम है, वो यहाँ आना चाहिए आउटर कॉलम में। तो 72,000 मिलना चाहिए था, 64,800 इस साल का मिला, यानी 7200 रुपीज इस साल का मिलना बाकी है 2016 का। तो 7200 इस साल का मिलना बाकी है, 200 रुपया पिछले साल का मिलना बाकी, तो यानी टोटल बाकी हो गया 7400। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में इस तरह लिखेंगे, 2015 का बाकी था 200 रुपया, स्टिल बाकी है पिछले साल का अभी तक मिलना, और 7200 इस साल का मिलना बाकी है,
यानी टोटल 7400 मिलना बाकी है। और देखो 2017 के लिए मिला 600, यानी ये अगले साल के लिए एडवांस मिल गया, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से लिख देंगे। फिर देखो लिखता सैलरी देना बाकी है दिसंबर महीने का 1600 रुपया, तो देना बाकी है तो ये लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में लिखे 1600। देखो सैलरी दिए हैं 20,400 और 1600 अभी देना बाकी है, तो सैलरी दिए हैं 20,400, 1600 इसमें देना बाकी है, जोड़ के हो गया 22,000। फिर लिखता है एंट्रेंस फी एंड सरप्लस फ्रॉम ड्रामा आर टू बी केप्ट इन रिजर्व फॉर अ स्विमिंग पूल, यानी स्विमिंग पूल के लिए एक फंड बनाना है, उसमें क्या डालना है, तो लिखता है एंट्रेंस फी एंड सरप्लस फ्रॉम ड्रामा, एंट्रेंस फी का जो भी पैसा मिला और ड्रामा से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया सरप्लस आया वो सब स्विमिंग पूल में हम लोग फंड बना लेंगे, तो एक स्विमिंग पूल फंड के नाम से लाइबिलिटी में लिखेंगे। एंट्रेंस फी का 50,000 इसमें डाल दिए और सरप्लस फ्रॉम ड्रामा आया 2,00,000, क्योंकि सर ड्रामा से हम लोग का प्रोसीड्स दिया है 3,20,000 और कॉस्ट ऑफ ड्रामा है 1,20,000, तो सरप्लस हो गया 2,00,000, तो एंट्रेंस फी और सरप्लस फ्रॉम ड्रामा दोनों जोड़ के बाहर आ गया 2,50,000, और अब वो प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा और कॉस्ट ऑफ ड्रामा जो है वो कहीं और नहीं जाएगा। तो अब देखो सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, अब शुरू से आ जाओ, तो देखो कैश इन हैंड है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश के नाम से जाएगा, कैश इन हैंड के नाम से, सब्सक्रिप्शन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स का काम हम लोग कर लिए, फर्नीचर का काम कर लिए, एंट्रेंस फी हो गया, सरप्लस फ्रॉम ड्रामा निकाल चुके हैं हम लोग और वो स्विमिंग पूल फंड में चला गया है, फिर इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज है, ये इनकम है, ये इनकम में लिखेंगे, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी हम लोग इनकम में लिख चुके हैं, सैलरीज हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च है तो इसका काम भी हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद पोस्टेज है ये हम लोग का एक्सपेंडिचर में जाएगा, कॉस्ट ऑफ ड्रामा का काम हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक दिया है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और कुछ है नहीं तो अब बैलेंस करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस किए तो हम लोग का सरप्लस आया 29,820, कैपिटल फंड हम लोग निकाले तो आया 1,41,920, और बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट का टोटल आया 4,23,940।